दिल्ली की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रही कांग्रेस के कई सालों से खाली हाथ है, लेकिन अब कांग्रेस एमसीडी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस ने पोल खोल अभियान की भी शुरुआत की। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों में जाएंगे, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी की विफलताओं के बारे में बताएंगे। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने की। अनिल चौधरी ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां आप और बीजेपी पर भी सवालों की झड़ी लगाई। पार्टी द्वारा आज से पोल खोल अभियान चालू कराया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अनिल चौधरी जी। आज से पोल खोल यात्रा शुरू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पोल खोल यात्रा हमारी जो सरकार के दावे हैं उनकी हम सच्चाई जानने हैं कि वाकई लोग खुश हैं, दावा कर रही है सरकारें लोगों को रोजगार मिला है, कितना रोजगार मिला है ये जनता बता रही है। हर व्यक्ति परेशान है, महंगाई से परेशान है, कोविड में जो हुई मौतें उनका हिसाब जनता मांग रही है, सांसों के लिए लोग तरसते रहे, राशन कार्ड में एक नाम नया नहीं जुड़ा, नया राशन कार्ड नहीं बना, एक पुराने राशन कार्ड पे कोई एक किलो राशन नहीं बढ़ा। तो तमाम बातें हैं जिनको लेकर के कांग्रेस की ये पोल खोल यात्रा, उसी के तहत हम यहाँ आ जाए हैं। ये यहाँ से हमने शुरुआत की, पहला दिन है 70 दिन, 70 विधानसभा, 272 वार्ड में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा हमारी होगी और यही जानने का प्रयास है कि वाकई जनता कितनी खुश है ये सरकार को हम आईना दिखाने। दिल्ली में आज पोल खोल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। हमारे साथ अमृता धवन जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आज पोल खोल यात्रा का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? देखिए, जो दिल्ली जिन चीज़ों से गुजर रही है वो किसी से छिपा नहीं है और जो सरकार बैठी है आम आदमी पार्टी की, वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन से राजनीति अपनी तय करती है और पब्लिक को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखती है। तो जो पिछले 7 सालों की नाकामियां हैं और जो विफलताएं हैं, जो ये एडवर्टीजमेंट कंट्रोल करके लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी उठाई कि हम जनता के बीच में जाएंगे और पोल खोल के नाम पर जो उनकी हकीकत है वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। पब्लिक को पता होना चाहिए कि जो बोर्ड पे दिख रहा है वो दिल्ली की हकीकत नहीं है और उसके लिए गली गली जाना बहुत ज़रूरी है। मैम, बात की जाए, डेंगू का टाइम चल रहा है, परसों भी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की नाकामी बताई कि जो एमसीडी में बीजेपी बैठी हुई है वो डेंगू की दवाइयां ही उनके पास उपलब्ध नहीं है, उस पर क्या कहना चाहिए? कोविड हुआ, कोविड में भी दवाइयां नहीं मिली, क्या वो एमसीडी करती थी दवाइयां? तो सरकार पूरी तरह से कोलैप्स है। इन लोगों ने ये सोच लिया कि अपनी हर जिम्मेदारी दूसरे पे थोपनी है। कोविड में लोग मरे, ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ, फैबीफ्लू जैसी दवाइयां लोगों तक नहीं पहुंची, राशन तो इनके हाथ में है, आप बताइए इनसे पूछकर कि 7 साल हो गए कितने लोगों के राशन कार्ड बने, कितने परिवारों के नए बच्चों को आपने राशन कार्ड में नाम डाला। आप शराब योजना लागू कर रहे हैं पर आपके पास राशन योजना करने के लिए कोई खाका तैयार नहीं है। तो ये जो पेंशन्स हैं वो लोगों को नहीं मिल रही है, गंदा पानी लोगों को मिल रहा है, जो वायु प्रदूषण है, सर्दियां आ गई हैं, अब अगले 3-4 महीने लोग इस जहर को लोगों को झेलना पड़ेगा। तो ये सब काम तो अरविंद केजरीवाल के तहत आते हैं ना, वो अपना काम छोड़ के आज दिल्ली के कोई भी कोने में चले जाए, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं मिल रही, मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं। दिल्ली सरकार के साथ साथ बीजेपी झुग्गियों में जाके अपना वोट बैंक इकट्ठा करने लगी। देखिए, भाजपा तो देश द्रोही पार्टी है और इन्होंने हमेशा देश में गरीब जनता का विरोध ही किया है। ये अभी झुग्गी यात्रा निकाल लें या ये कोई भी यात्रा निकाल लें, आशीर्वाद यात्रा निकालने की कोशिश की, इनको तो पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए भाजपा वालों को, क्योंकि उनके रहते दिल्ली ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और बहुत कुछ दिल्ली वालों ने खोया है। तो आपने देखा कि अमृता जी का साफ कहना है कि धरातल पे ना ही बीजेपी के काम दिख रहे हैं ना ही आम आदमी पार्टी के काम दिख रहे हैं, बस पोस्टर और बैनर्स पे ही इन लोगों के काम दिख रहे हैं। इसलिए आज इस पोल खोल यात्रा का आयोजन किया गया है और जनता के बीच जा जा के ये दूसरी पार्टी इसकी पोल खोलेंगे। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.